हम कर रहे हैं एक ख़त की कॉम्प्रिहेंशन जिसे एक लड़की फ़ातिमा ने अपनी सहेली निमरा के लिए लिखा है और ये वादिय चित्राल के मुतालिक है जहाँ फ़ातिमा अपनी गर्मियों की छुट्टियों का एक महीना गुजारती है। और जैसे कि इसकी इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से फ़ातिमा निमरा को वादिय चित्राल के मुतालिक मुख्तलिफ मालूमात दे रही है। जैसा कि अपने ख़त में उसने उसको बताया कि चित्राल जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ में है, इसी तरह से वो बड़ी पुरअमन जगह है, वहाँ का कुदरती हुस्न वहाँ आने वाले लोगों को बहुत दिलकश लगता है, वहाँ आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से ये भी बताया कि वहाँ का जो की सकाफत है और वहाँ का जो रिवाज वगैरह है कैलाश के लोगों का, जैसे कि वादी चित्राल के जो लोग हैं उन्हें कैलाश भी कहते हैं, तो वो सयाहों के लिए एक बड़ी कशिश वाली बात है, यानी वो ख़ास तौर से उसको देखने के लिए वहाँ जाते हैं। और फिर इसके अलावा चित्राल के लोगों के मुताबिक ये बताया कि वो बड़ी ही सादा ज़िंदगी गुजारते हैं और सादा से घरों में रहते हैं जो कि पत्थर और गारे के बने होते हैं। तो अब इस ख़त के अगले हिस्से को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं, फिर इससे मुतालिक सवाल जवाब भी करेंगे, मिलकर पढ़ेंगे। द कैलाश विमेन आर एक्सपर्ट इन स्पिनिंग एंड वीविंग, यानी वादी कैलाश की जो ख़वातीन हैं वो कातने और बुनने की माहिर हैं, यानी वो कपड़ा बुनना जानती हैं। दे वेयर अ स्पेशल ड्रेस, वो एक ख़ास किस्म का लिबास पहनती हैं। दे वेयर अ लार्ज हेड ड्रेस डेकोरेटेड, दे वेयर अ लार्ज हेड ड्रेस यानी वो एक बड़ा सा हेड की तरह से जो सर पर पहना जाता है उस तरह का वो अपने सर पर एक हेड ड्रेस पहनती हैं। डेकोरेटेड विद डिफरेंट बटन्स शेल्स एंड बीड्स, जो कि मुख्तलिफ किस्म के बटनों सीपियों और मोतियों से सजा होता है। दे वेयर स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी वो पहनती हैं मालाएँ या हार जो कि मुख्तलिफ रंगों के मोतियों से बने होते हैं। राउंड देयर नेक्स, अपनी गलों में वो उन हारों को पहनती हैं। रंग बिरंगे मोतियों के बने हुए जो हार होते हैं इन्हें माला भी कहा जाता है। तो इस तरह की जो माला होती हैं वो अपने गलों में पहन रखी होती हैं वहाँ की औरतों ने। दे वेयर अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, इसके अलावा वो एक लंबा काला लिबास पहनती हैं। कैलाश मीन्स ब्लैक, कैलाश का मतलब होता है काला। दे आर कॉल्ड कैलाश आफ्टर दे ब्लैक ड्रेसेस, उनके जो काले लिबास होते हैं उनकी वजह से उन्हें कैलाश कहा जाता है, जैसे कि इसका मतलब होता है काला। तो जैसे कि ये जो पैराग्राफ है ये ज़्यादातर कैलाश की जो ख़वातीन हैं उनके मुतालिक है, तो उनके मुतालिक अब हम यहाँ नोट करते हैं कि क्या मुख्तलिफ बातें हमें बताई गई हैं। पहली जो अहम बात बताई गई है वो ये है कि वो एक्सपर्ट होती हैं, माहिर होती हैं कपड़ा बुनने की, तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसी तरह से उनके बारे में एक और बात जो अब बताई जा रही है वो उनके लिबास से मुतालिक है कि बड़ा ही ख़ास लिबास होता है, जैसे कि वो एक हेड ड्रेस या सर पर एक टोपी नुमा या हैट नुमा चीज़ पहनती हैं जो कि बड़ी अच्छी तरह से डेकोरेट हुआ होता है बटन्स शेल्स और बीड्स वगैरह के साथ। तो ये दूसरा अहम पॉइंट इसे हम नोट करते हैं कि वो हेड ड्रेस उनका किस तरह का होता है। फिर इसके अलावा जैसे कि वो रंग बिरंगी मालाएँ पहनती हैं इसका जिक्र है, तो इसे हम कह देंगे तीसरा पॉइंट। इसी तरह से अब ख़ास तौर से बात हो रही है उनके लंबे काले लिबास की और उसका मतलब भी बताया गया है, यानी उसका मतलब होता है काला, जिसे उनकी ज़बान में कैलाश कहते हैं, लिहाजा इसीलिए उन्हें कैलाश के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये चौथा अहम पॉइंट हो गया इस पैराग्राफ का। और ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो कैलाश की ख़वातीन के लिबास और पहनने की चीज़ों से मुतालिक हैं। अब पढ़ते हैं ख़त का आखिरी हिस्सा। आई एम ऑल्सो सेंडिंग यू पिक्चर्स, मैं तुम्हें तस्वीर भी भेज रही हूँ, ऑफ कैलाश वैली एंड कैलाश पीपल, वादी कैलाश और उसके लोगों की। यू वुड श्योरली लाइक दीज, तुम्हें यकीनन वो पसंद आएंगी। यू कैन शो दीज पिक्चर्स टू योर फ्रेंड्स, तुम इन तस्वीर को अपने दोस्तों को दिखा सकती हो। राइट मी सून, जल्द मुझे लिखना अबाउट योर समर वेकेशन, अपनी गर्मियों की छुट्टियों के मुतालिक, योर फ्रेंड तुम्हारी सहेली फ़ातिमा। तो यहाँ ये ख़त मुकम्मल हो गया। इसमें ये जो आखिर के जो एक दो पैराग्राफ्स हैं इनमें कोई अहम ख़ास बात नहीं है, यानी कोई ख़ास नोट करने वाला पॉइंट नहीं है। तो अब हम सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। सवाल जवाब शुरू करने से पहले हम इन तस्वीर को भी देख लेते हैं। ये कैलाश की ख़वातीन की तस्वीर हैं। इस पहली तस्वीर में यहाँ आप देख सकते हैं कि खातून ने किस तरह का ये हेड ड्रेस पहना हुआ है,
जिस पर रंग बिरंगे मोती वगैरह लगे हैं, उनसे कुछ पैटर्न्स वगैरह बने हैं और साइड पर इस तरह सिपियां सी नज़र आ रही हैं। इसी तरह से इस तरफ आप यहाँ इस दूसरी तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से मोतियों की जो रंग बिरंगी मालाएं हैं इन्होंने अपने यहाँ की खवातीन ने अपने गलों में पहन रखी हैं, और इनके लिबास का जो रंग है वो भी आप नोट कर सकते हैं कि वो काला ही है। इससे पिछली वीडियो में इस खत से मुतालिक हम पहले सवाल और उसके जवाब को कवर कर चुके हैं, इसे एक मरतबा फिर जल्दी से पढ़ लेते हैं। वेयर इज चित्राल वैली सिचुएटेड, वादी चित्राल कहाँ मौजूद है? और आंसर है चित्राल वैली इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, यानी वादी चित्राल पाकिस्तान के शुमाल में मौजूद है। अब पढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द हेड ड्रेस ऑफ द कैलाश विमेन, यानी कैलाश की जो खवातीन हैं उनका जो हेड ड्रेस है उसे क्या मुराद है, वो क्या होता है? तो जैसे कि इस पैसेज में भी हमने पढ़ा और तस्वीर में भी हमने देखा कि कैलाश की जो खवातीन है उनका जो हेड ड्रेस होता है उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसे वो सर पर पहनती हैं। और यहाँ साथ ही हम ये भी बता सकते हैं कि उसे डेकोरेट किया गया होता है, यानी उस पर सजावट की गई होती है। और हेड ड्रेस का जो मुकम्मल मानी अगर आप देखना चाहें तो इसे डिक्शनरी में भी देख सकते हैं। तो लिहाजा हमारा जो आंसर है जवाब इस तरह से होगा, द हेड ड्रेस इज लाइक अ डेकोरेटेड हैट। जो हेड ड्रेस होता है वो एक तरह का हैट होता है, यानी सर पर पहनने की चीज़ होती है, जैसे टोपी होती है, जिसे सजाया गया होता है एंड यानी उस पर सजावट की गई होती है, एंड इट इज वॉर्न ऑन हेड, और उसे सर पर पहनते हैं। इस जुमले को एक मरतबा फिर पढ़ेंगे, द हेड ड्रेस इज लाइक अ डेकोरेटेड हैट एंड इट इज वॉर्न ऑन हेड। The head dress of the Kailash women is decorated with buttons, shells and beads. और अब हमने इस बात का भी इजाफा कर दिया कि कैलाश की खवातीन का जो हेड ड्रेस होता है वो भी बड़े ख़ास किस्म का होता है और उसे सजाया गया होता है बटनों, सीपियों और मोतियों से, जैसे कि आपने तस्वीर में भी देखा। इस तरह से यहाँ एक मरतबा फिर देख लेते हैं, इस तस्वीर में ये जो बड़ा सा हेड ड्रेस नज़र आ रहा है इसे बड़ी खूबसूरती से सजाया भी गया है। अब पढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द मेन अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट इन चित्राल वैली, वादिया चित्राल में सयाहों के लिए सबसे बड़ी कशिश वाली चीज़ क्या होती है, क्या बात होती है, यानी वो क्या चीज़ है जिसे वो ख़ास तौर पर देखने के लिए आते हैं? अब यहाँ लफ्ज़ टूरिस्ट जो है इसको क्लू के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे जाकर तलाश करेंगे इस खत में। तो यहाँ हमने इस पैराग्राफ के अंदर देखा था कि लव्स टूरिस्ट मौजूद है, और इससे मुतालिक क्या अहम पॉइंट यहाँ बताया गया है, द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कैलाश पीपल इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चित्राल वैली। और यही जो है हमारे सवाल का जवाब है, जैसे कि उसमें पूछा गया था कि सबसे अहम बात क्या है जो कि सयाहों को वादिया चित्राल के मुतालिक पसंद है। तो इस बात को इस तरह से हम अपने जवाब में शामिल कर सकते हैं, द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कैलाश पीपल इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चित्राल वैली, यानी कैलाश के लोगों की जो सकावत है और उनका रवाज है वो सबसे बड़ी कशिश की चीज़ है, कशिश वाली बात है जो कि सयाह जो हैं उस वादी चित्राल में जिसके लिए आते हैं। लेकिन अब यही सवाल अगर ज़्यादा नंबरों का हो, यानी अगर ये सिर्फ एक नंबर का हो तो उसके जवाब में आप यही जुमला जो है लिख देंगे तो काफ़ी होगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा नंबरों का हो, जैसे कि अगर ये 4 नंबरों का सवाल हो, तो इसका जवाब आप किस तरह से लिखेंगे कि ये शुरू का जुमला लिख लेने के बाद आप इसमें ये बातें भी शामिल कर सकते हैं जो खत में बताई फातिमा ने निमरा को वादिये चित्राल के रहन सहन से मुतालिक, जैसे कि इस ये जो ये पैराग्राफ था कल्चर और ट्रेडिशन से मुतालिक, इसी में देखेंगे कि अगला पॉइंट था वहाँ के लोग सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, इस बात को भी शामिल किया जा सकता है। और इसकी मिसाल जैसे कि यहाँ दी गई है कि वो सादा से पत्थर और गारे के घरों में रहते हैं। इसके अलावा आगे चलकर और भी जो वहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन है उसके मुतालिक बातें बताई गई जो कि वहाँ की खवातीन से मुतालिक थी, उनके हेड ड्रेस से मुतालिक, और फिर जो नेकलेसेस या मालाएं वो पहनती हैं, इसी तरह से उनका काला लंबा ड्रेस, ये सब बातें जो हैं ये सकाफत, कल्चर या ट्रेडिशन कहलाया जाता है। लिहाजा यही सवाल अगर ज़्यादा नंबरों का होगा तो इन बातों को भी आप अपने जवाब में इस तरह से शामिल कर सकते हैं, द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कैलाश पीपल इज द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चित्राल वैली। अब आप शामिल करेंगे इन बातों को, दे लीड सिंपल लाइफ एंड लिव इन स्टोन एंड मड हाउसेज, वो सादा जिंदगियाँ गुजारते हैं और पत्थर और गारे के घरों में रहते हैं। वेमेन आर एक्सपर्ट इन वीविंग, यानी वहाँ की खवातीन जो हैं
वो कपड़ा बुनने की माहिर हैं. दे वेयर लार्ज डेकोरेटेड हेड ड्रेसेस एंड कलरफुल नेकलेसेस. वो बड़े से हेड ड्रेसेस पहनती हैं, यानी सर पर एक हैट से पहनती हैं जो कि उन पर सजावट हुई होती है, और रंग बिरंगी मालाएं भी पहनती हैं. द कलर ऑफ देयर ड्रेसेस मोस्टली ब्लैक, और उनके कपड़ों का जो रंग होता है वो ज़्यादातर काला होता है. तो यानी ये वो सारी तफसील हो गई कल्चर और ट्रेडिशन से मुतालिक जिसको टूरिस्ट वहाँ देखने के लिए जाते हैं. तो इस सारी तफसील को शामिल कर लेने के बाद ज़्यादा नंबरों वाला जो सवाल है उसे मुकम्मल तौर पर हल किया जा सकता है. अगला सवाल, वाई डू वी कॉल द पीपल ऑफ चित्राल कैलाश? चित्राल के लोगों को कैलाश क्यों कहा जाता है? कैलाश की ख्वातीन से मुतालिक जो अहम पैराग्राफ था और उसमें जो एक पॉइंट हमने सबसे आखिर में नोट किया था वो उनके लिबास से मुतालिक था, जिसमें काले रंग के मुतालिक बताया गया था कि इसका मतलब होता है कैलाश, और जैसा कि वो काले रंग के ही लिबास पहनती हैं तो लिहाजा उन्हें कैलाश कहा जाता है. तो लिहाजा ये जवाब होगा, पीपल ऑफ चित्राल आर कॉल्ड कैलाश आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस एज कैलाश मीन्स ब्लैक. चित्राल के लोगों को कैलाश उनके काले रंग के कपड़ों की वजह से कहा जाता है, जैसे कि कैलाश का मतलब होता है काला. अगला सवाल, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट कैलाश पीपल? कैलाश के जो लोग हैं उनके मुताबिक आपको क्या बात सबसे ज़्यादा पसंद है? अब ये एक जनरल सा सवाल है, इसमें आप इस ख़त में जो मुख्तलिफ बातें बताई गई हैं कैलाश के लोगों के बारे में, उनमें से कोई सी भी एक बात जो कि आपको अहम या ख़ास लगती है उसे आप अपने जवाब के तौर पर लिख सकते हैं. जैसे कि आप अपने जवाब को इस तरह से शुरू कर सकते हैं, वॉट आई लाइक द मोस्ट अबाउट द कैलाश पीपल इज, यानी जो बात मुझे कैलाश के लोगों में के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है वो है. और अब इस जुमले को आप इनमें से ये जो दी गई चॉइसेस हैं इनमें से किसी भी एक चॉइस से आप मुकम्मल कर सकते हैं. जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं, वॉट आई लाइक द मोस्ट अबाउट द कैलाश पीपल इज़ द कलरफुल एंड डेकोरेटेड हेड ड्रेसेस दैट द वेमेन वेयर, यानी वहाँ की जो खवातीन जो सजे हुए हेड ड्रेसेस पहनती हैं रंग बिरंगे, वो चीज़ जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वहाँ के लोगों के बारे में. या फिर आप ये भी कह सकते हैं, वॉट आई लाइक द मोस्ट अबाउट द कैलाश पीपल इज़ दैट दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, लाइक दे लिव इन सिंपल स्टोन एंड मड हाउसेस. माफ़ कीजिएगा, मड हाउसेस. यानी मुझे कैलाश के लोगों के मुताबिक ये बात सबसे ज़्यादा पसंद है कि वो सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसा कि वो पत्थर और गारे के सादा से घरों में रहते हैं. या फिर आप सिर्फ इतना ही कहकर अपने जवाब को मुकम्मल कर सकते हैं कि व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट द कैलाश पीपल इज़ देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन. अब यहाँ भी एक मरतबा फिर, अगर ये सिर्फ एक ही नंबर का सवाल हो तो इसका इस तरह से आप सादा सा जवाब लिख सकते हैं इनमें से किसी भी एक चॉइस को चुनकर. लेकिन यही सवाल अगर चार नंबरों का या पांच नंबरों का हो तो उसमें आप फिर तफसील से भी लिख सकते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहेंगे कि व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट द कैलाश पीपल इज़ द कल्चर एंड ट्रेडिशन, तो फिर एक एक करके आप उन बातों को भी यहाँ शामिल कर लेंगे जो कि वहाँ के रहन सहन से मुतालिक हैं, जैसे कि हेड ड्रेसेस और उनका लिबास और उनके घर वगैरह, इन सब बातों को भी शामिल किया जा सकता है. तो वादिय चित्राल से मुतालिक इस ख़त की कॉम्प्रिहेंशन और उससे मुतालिक सवाल जवाब यहाँ मुकम्मल हो गए हैं. आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए.